नमस्कार साथियों, कैसे हो? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दिल्ली होमगार्ड की भर्ती आपको सबको पता आ चुकी है, आज से आवेदन शुरू है। आवेदन करने से पहले मेरी कुछ बातों को आप विशेष रूप से सुनेंगे और इस पर गौर करेंगे कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अन्य राज्यों के लोग कैसे भरे फॉर्म, ये मौका है, लाजवाब, ये दस्तावेज बनवा लो, नौकरी पक्की है। वैसे हम नौकरी लगनी है ना, तो ये दस्तावेज बना लो। समस्त जानकारी लेके आया हूं, पूरी डेबिट, यानी जो डाउट आपके मन में है सारी डाउट खत्म कर देंगे। जो पहले जो होमगार्ड की भर्तियां हुई थी वो, अन्य राज्यों में होमगार्ड की भर्तियां हुई थी वो, उन सबको देखकर मैं सारी सॉल्यूशन को लेकर आपके पास आया हूं। इससे पहले मैं आपको दोस्तों कह दूं, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। अब बात करते हैं, देखो आज मैं हिंदी में नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं आपका, ये, और मैं केवल वही बात करूंगा कि पात्रता मापदंड क्या है, कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा ध्यान देना, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, यानी नागरिक तो भारत का है, नागरिकता है तो भारत है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का निवासी हो, यानी दिल्ली का निवासी हो, दिल्ली का निवासी। तो भाई गुमार साहब, भाई ये तो दिल्ली वालों के लिए है, फिर आप अन्य राज्यों की बात, दिल्ली का निवासी हो तो दिल्ली का प्रूफ, रेजिडेंशियली प्रूफ भी हो या और कोई प्रूफ हो तो कैसे प्रूफ आप पैदा करोगे वो देखते हैं। दिल्ली के निवासी का प्रमाण पत्र है, दिल्ली के निवासी का प्रमाण पत्र क्या क्या है, कैसे साबित होगे कि आप दिल्ली के निवासी हो, ये चीज। उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए, कोई एक भी दस्तावेज होना चाहिए, जैसे मान्य पासपोर्ट, पासपोर्ट बनवाते हो आप, अगर आपके पास दिल्ली का एड्रेस का पासपोर्ट है तो आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप दिल्ली के निवासी हो गए, वैसा दिल्ली के क्या हो गए, निवासी हो गए। चुनाव आयोग का वोटर आईडी आपके पास हो, आप वोट ही दिल्ली में डाल रहे हो भाई साहब, तो आपको तो वो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर उसका नाम फोटो, यानी फोटो वाला राशन कार्ड है, छाप मेरी फोटो, तो ये फोटो वाला राशन कार्ड है। यदि राशन कार्ड उम्मीदवार की तस्वीर के बिना है तो उसे आवेदक की तस्वीर वाले किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र के साथ। अगर आपके पास क्या है कि आपका राशन कार्ड पे, कभी कभी राशन कार्ड पे फोटो नहीं होती, अगर राशन कार्ड पे फोटो नहीं है ना भाई साहब, तो कोई भी, जैसे आधार कार्ड हो गया, फोटो वाला होता है आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गई, या कोई ऐसी आइडेंटिटी, जैसे आप सरकारी नौकरी में है, दिल्ली में है तो, और आपका राशन कार्ड दिल्ली में, तो आइडेंटिटी, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी, यानी जेन्युइन जिसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर वाला कोई आइडेंटिटी प्रूफ हो तो वो भी आपका चल जाएगा। परिवहन विभाग जीएनसीटी दिल्ली द्वारा जारी वे ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिल्ली के द्वारा जारी किया होना चाहिए, यानी दिल्ली में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें इनमें लगती है आपस में, ठीक है। दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक खाते की वित्तीय सत्यापन। अगर आपके, देखो अब मैं आपको बता दूं, दिल्ली में आपका खाता है बैंक में, दिल्ली के बैंक में आपका खाता है, अब ऐसा आप दिल्ली के निवासी नहीं तो दिल्ली का बैंक में खाता कैसे रहेगा, जैसे रूम एग्रीमेंट पर बैंक में खाता हो जाता है, जैसे आधार कार्ड को अपडेट करवा के दिल्ली में खाता खुलवा लेते हो, तो फोटो युक्त आवासीय पता, आवासीय एग्रीमेंट, आवासीय पते का मतलब आवासीय, जैसे बिजली का बिल लगता है, इसमें क्या होता है, बिजली का बिल लगता है भाई साहब, तो फिर वो आवासीय पते का पता चल जाता है, बिजली का बिल तो पते पे आता है तो वो हो जाता है। फिर क्या है, राजस्व विभाग जीएनसीटीडी के समक्ष, यानी इस जीएसटी के समक्ष, या अधिकृत सरकारी प्राधिकारी, कोई भी सरकारी प्राधिकारी का मतलब होता है आप किसी चीज को नोटरी करवाते हो तो रजिस्टर्ड की जाती है, तो रजिस्टर्ड की हुई कोई भी चीज हो, सरकारी प्राधिकारी, जैसे तहसीलदार हो गया, कलेक्टर हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिसर कोई भी है, समक्ष अधिकारी है वो हो गया, कुछ भी जो दिल्ली में या आप, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो रूम एग्रीमेंट होता है ना, उसमें नोटरी करवा लो, रूम एग्रीमेंट में सर्टिफिकेट नंबर होना जरूरी है, ये ध्यान रख लेना, लोकल रूम एग्रीमेंट नहीं चलेगा, उसमें एक सर्टिफिकेट नंबर आता है, सर्टिफिकेट नंबर कहां आता है मैं आपको ले चलता हूं यहां पर, ये देखो ये है, तो आपके जो आपको मांगा है, जैसे वोटर आईडी है, आपसे मांगा वोटर आईडी, मांगा भाई इसमें पेन कैसे चलेगा,
हाँ जैसे वोटर चलता वोटर आईडी पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, करंट वहां का जो पड़ता है फोटोग्राफी युक्त राशन कार्ड है वो है, ये बता दिया, वही चीज है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, और ये क्या है बैंक अकाउंट है, सर्टिफिकेट इशूड बाय कम्युनिटी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट GNCT दिल्ली। अब देखो आप क्या करोगे, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को भर दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर आईडी है तो उसमें भर दोगे, रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो उसमें भर दोगे, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको भर दोगे, ड्यूटी अटेम्प्ट पासबुक पब्लिक स्टेट बैंक है तो वो भर दोगे, करंट इशू बाय रिन्यू डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है तो उसको भर दोगे। तो आप इस पर क्लिक करोगे ना, इसको बैक कैसे करना है अभी, अब देखो अब इसमें क्लिक करोगे ना तो ये क्लिक होते, ये क्लिक होते आएगा एंटर सर्टिफिकेट नंबर। अब जो सर्टिफिकेट पर नंबर होंगे वो लिखना है। अब सर्टिफिकेट के नंबर कहां से आएंगे भाई साहब, तो देखो मैं आपको ये दिखाऊं, ये है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल अथॉरिटी ऑफ दिल्ली, दिख रहा है, ये एक रूम एग्रीमेंट है, इंडियन नॉन जुडिशियल, ये एक रूम एग्रीमेंट है। इस रूम एग्रीमेंट में मैं आपको दिखाऊं तो आपको मैं यहां पर बड़ा करके दिखा देता हूं, बिल्कुल ही ये भाई साहब इसमें क्या है, सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर ये आ गया, ये सर्टिफिकेट नंबर आप उसमें भर देना, सर्टिफिकेट नंबर भर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फॉर्म क्या हो जाएगा भाई साहब, सबमिट हो जाएगा। तो फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर भाई साहब आपका खाता खुल ही गया, यानी आपका फॉर्म भर ही गया, आपका फॉर्म भर ही जाएगा, यहां खाता संख्या जो भी लिखी जाएगी वो लिख दोगे तो आपका फॉर्म भर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपको करना है, समझ गए। अब देखो पिछली बार जो पहले की प्रोसेस थी, जैसे राजस्थान में भी होमगार्ड की भर्ती हुई, यूपी में हुई, तो उनमें रेजिडेंशियली जो होता है उसको मान्य किया गया था, क्या करना भी? और यहां नंबर गलत भर दोगे तो एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, है तो फर्जी मत बनवाना, फर्जी मत बनवाना, आप जो जेन्युइन चीज है ना वही करना, जो आप रहते हो वास्तविक है वही करना, इसकी कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा आपका अगर यहां कोई दिक्कत होगी तो भाई साहब मैं आपको सारे शब्दों में सही सही चीजें बता दी है। अब आपके जो चलने वाली चीजें वो तो मैंने आपको बता ही दी है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि राजस्थान है, राजस्थान में होमगार्ड की भर्ती थी तो उसमें भी यही टॉपिक थे, और जैसे भिवाड़ी का कोई बच्चा भिवाड़ी से किसी ने होमगार्ड का फॉर्म भरा है, वहां यहां क्या जिलेवार होती है, तो भिवाड़ी का रूम एग्रीमेंट चलाता उसमें वही सर्टिफिकेट नंबर चले थे, ऐसे ही यूपी में होमगार्ड की भर्ती आई थी तो उसमें भी मांगा था, तो जहां से फॉर्म भरता है वहां का रूम एग्रीमेंट होता है, सर्टिफिकेट नंबर उस पर आता है, नोटोरी से अटेस्टेड होता है, वो वकीलों के द्वारा समस्त अधिकारी के द्वारा बनाया जाता है, तो वो मान्य किया गया था। तो हमें उम्मीद है इस भर्ती में भी यही चीज मानने की जाएगी, और देखो अंतिम निर्णय तो जो दिल्ली सरकार का है उसका रहेगा, इसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। जहां तक हमें जो सूचना थी, जो नॉलेज था वो आपको दिया, इसको आप अपने पर्सनल वे में ना ले, जो भी जिसको भी अच्छा लगे आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा आप अगर दिल्ली होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, डीपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं आपको पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या नहीं है, टाइम नहीं है, इसकी प्रोसेस आप सभी को पता है, पहले फिजिकल होंगे, फिजिकल, और फिजिकल खत्म होते ही आपका क्या है भाई साहब, एग्जाम, आपको टाइम नहीं मिलेगा इसमें आपको 1% भी टाइम नहीं मिलेगा। तो दिल्ली होमगार्ड में पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाओ भाई साहब और बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, कौन सी ऐप को डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, अभी ऑफर चल रहा है मात्र 399 रुपए में, कितने रुपए में, 399 रुपए में आपको ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है पूरा का पूरा, जिसमें आपको वीडियो मिलेंगे रिकॉर्डेड ऑनलाइन, वीडियो टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसके अलावा टोटल नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, ये सारी चीजें आपको उस ऐप में मिलने वाली है बिल्कुल जेन्युइन प्राइस पर, यानी जेन्युइन प्राइस का मतलब समझ रहे हो, मात्र 399 रुपए में आपको ये कोर्स मिलने वाला है।
अगर कोई बच्चा ऑफलाइन तैयारी करवाना चाहता है, करना चाहता है, तो हमने ऑफलाइन बैच चालू कर रखा है, ऑफलाइन ऑफलाइन बैच। अभी हमारा जो ब्रांच है, जो राजस्थान की ब्रांच है, राजस्थान की ब्रांच में चल रहा है, तो राजस्थान की ब्रांच में अलवर जिले में, कौन से अलवर जिले में, ठीक है, अलवर जिले में चल रहा है अभी। और सेंटर नजदीक ही देखो कोटपुतली जो जिला बना है, इसके बिल्कुल नजदीक है, इसके जो हमारा सेंटर है इसके नजदीक है। जैसे ये अलवर शहर है, अलवर शहर से इधर आते हैं, ये कोटपुतली है, कोटपुतली से इधर आते हैं, तो इनके लगभग मध्य में यहां पर बांसुर है, यहां पर हमारा सेंटर चल रहा है। कोई बात नहीं, जो दिल्ली से आने वाले हैं वो ऐसे आ सकता है, जयपुर से आने वाले ऐसे आ सकते हैं, ये भरतपुर उदयपुर यूपी बिहार से आने वाले इधर से आ सकते हैं, कोई भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब जगह की सुविधा यहां पर व्याप्त है। तो ऑफलाइन जो तैयारी करना चाहता है वो है भाई 3 माह की फीस है भाई साहब, 3 माह में रहना खाना फिजिकल मेडिकल सब आ गया इसमें, और इसमें 3 माह की फीस है भाई साहब 25,000 रुपए। 3 माह की कितनी फीस है? 25,000 रुपए फीस है, जिसमें रहना खाना सब आ गया, कोचिंग वोचिंग, नोट्स, पीडीएफ, ऑनलाइन कोर्स, सारी चीजें आपको यहां पर उपलब्ध करवा देंगे। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए क्या करेंगे, आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 9988764 6020, ये नंबर है, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अधिक कोई भी जानकारी है तो इन नंबर पर फोन करके आप पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स कर सकते हो। आपको कोई अगर ऐसी बात है, कोई आपको समझ में नहीं आ रही है, तो हम आपकी सहायता के लिए तैयार है। कोई भी बात है, 10,000 आप 10,000 पदों की भर्ती है, 10,285 पदों की, भाई साहब मैं कह रहा हूं फॉर्म भरो, फॉर्म भरो, नौकरी लगो, फॉर्म भरो नौकरी लगो, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जब तैयारी हम करवा रहे हैं तो फिर भाई साहब डरने की क्या बात है। इसी के साथ प्यारे साथियों अलविदा चाहूंगा, जय हिंद जय भारत।